राजस्थान में इन दिनों शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई और खलबली का कारण है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री एक्टिव है और ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, फिर चाहे स्कूल में बुरका पहनने का मामला हो या फिर मामला स्कूल में सूर्य नमस्कार का, लगातार जिन कारणों से शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। आइए क्या है पूरा मामला जानते हैं। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धर्मांतर और लव जिहाद के मुद्दों पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मंत्री दिलावर ने कहा कि स्कूलों को धर्मांतर और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर से बालोतरा रवाना होने से पहले ये बयान दिया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय को धर्मांतर या लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। जहां पर भी षड्यंत्र होगा उसमें शामिल शिक्षक हो या बच्चे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सूर्य नमस्कार नहीं वह कार्रवाई होगी। मंत्री दिलावर ने सूर्य नमस्कार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय रोजाना 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां आदेशों को पालना नहीं होगी वह कार्रवाई की जाएगी। बालिकाओं की सुरक्षा को भी नजर में रखते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि बेड टच के आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले भी पेपर लीक करने के माफिया और स्कूलों में छात्राओं के साथ बेड टच करने वाले टीचर को चेता चुके हैं। किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले टीचर के घर बुलडोजर चलेगा, उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे राजस्थान चौक।